नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। भटगांव विधानसभा के प्रबल दावेदार सफी अहमद ने अपना दावेदारी फॉर्म ब्लॉक अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। भटगांव विधानसभा में लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय सफी अहमद ने भी भटगांव क्षेत्र से विधायक के दावेदारी की पेश की है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी सफी अहमद को दावेदारी से स्थानीय दावेदारों के समीकरण भी बिगड़े हुए हैं। वहीं यह भी चर्चा जोरों से है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े भी जातिगत समीकरणों व महिला प्रत्याशी के रूप में भटगांव से रायशुमारी में जुटी हुई है। वहीं बहरहाल पारसनाथ राजवाड़े, सफी अहमद व भगवती राजवाड़े के बीच त्रिकोणीय दावेदार में अन्य प्रबल दावेदारों को भी संभावित उम्मीदवारों से भटगांव विधानसभा इन दिनों जिला में चर्चा का मुख्य केंद्र व अभी से ही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। स्थानीय विधायक चिंतामणि महाराज ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर में एमएलए प्रत्याशी होने के दावेदारी पेश की। जिला अध्यक्ष भी रहे वहां शामिल। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों का आवेदन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस में विधायक के लिए आवेदन 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। आज यानी सोमवार को सामरी विधायक चिंतामणि महाराज एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव ने भी अपना आवेदन राजपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील सिंह के पास जमा किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक पूरे लाल लश्कर के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे थे। जनदर्शन में कलेक्टर को निसंकोच अपनी समस्याएं बता रहे आमजन। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जनदर्शन में कुल 82 आवेदन हुए प्राप्त। जांजगीर चांपा चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट देखिए, जहां पर कल कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा जिले के आम नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं तथा विभागीय कार्यों को लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनके समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को जनदर्शन के माध्यम से लोगों की विभिन्न समस्याओं, मांग आदि को गंभीर पूर्वक सुना जा रहा है, जिस कारण जिले के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कलेक्टर को निसंकोच अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जनदर्शन में कुल 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने सभी जरूरी आवेदनों को टीएल में पूंजी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इंजीनियर रवि पांडे ने कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करते हुए विधायक प्रत्याशी हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से इंजीनियर रवि पांडे ने सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने एवं सेवा भाव से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। वहीं जांजगीर चांपा से चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया के तहत सभी दावेदारों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उसी कार्यक्रम में मैं इंजीनियर रवि पांडे, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। सावन सोमवार को विधायक जैन ने देवड़ा मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर प्रांगण में लगाया पीपल का पौधा। मंदिर परिसर में निवासरत कुष्ठ रोगियों से मुलाकात कर हालचाल पूछा एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बस्तर अंचल समेत राज्य के सुख शांति की कामना भी की। जैसे संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेचन जैन ने सोमवार को उड़ीसा सीमा से लगे देवड़ा झाड़ेश्वर शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर बस्तर सहित समूचे छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि की कामना की। दोपहर बाद जगदलपुर में पहुंचे जैन ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधिवत पूजा की। पूजा पश्चात मंदिर परिक्रमा की और वहां पहुंचे अनेक श्रद्धालुओं से चर्चा कर उनका कुशल क्षेमा पूछा। उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र साहनी, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा भी मौजूद थे। माता गुड़ी हमारी आस्था की केंद्र है, इनके विकास के लिए भूपेश सरकार कृत संकल्पित, ऐसा कहना है रेखचंद जैन का। जहां विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत कुरंदी के आश्रित ग्राम सुलियागुड़ा जूना पारा में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शीतला माता गुड़ी का भूमि पूजन किया। ग्राम सुलियागुड़ा पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का जोशीला स्वागत। माता दंतेश्वरी एवं माता शीतला के जयकारे से गूंज उठा पूरा गांव। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राम प्रतिष्ठा में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माता गुड़ी एवं देव गुड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक 200 से अधिक गुड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
मुठभेड़ में नक्सली ढेर। नारायणपुर जिले के आबू जमाड़ के भटबेड़ा जंगलों में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर ओरछा थाना से डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवान रवाना हुए। भटबेड़ा के जंगलों में पुलिस पार्टी के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने घटना की पुष्टि की। घटना स्थल से 315 और 12 बोर का पिस्टल सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। महारा समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों महारा समाज मात्रात्मक त्रुटि को सुधार कर अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। यह बिल लोकसभा व राज्यसभा में पास होने के बाद कानून बन गया है, जिसके तहत अब महारा समाज को लंबित मांग पूरी हो गई है। रविवार को महारा समाज के पदाधिकारियों ने भानपुरी में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप एवं पूर्व सांसद दिनेश कश्यप से मुलाकात कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने सामाजिक पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज के न्याय की लड़ाई में भाजपा सदैव साथ रही है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने समाज को केवल वोट बैंक का स्तर समझाए और लगातार वर्षों से संघर्ष कर रहे थे ये लोग, लेकिन कोई सुनवाई कांग्रेस नहीं कर रही थी। हमारा समाज का बहुत दिनों से उनका एक आग्रह था कि हमारा जो समाज है उसको आरक्षण का समाज नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए हमारा समाज के सभी लोग, चाहे वो सुकमा के हों, जगदलपुर के हों, चित्रकूट विधानसभा, सभी विधानसभा के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।